इस आई शेड्स का क्या नाम कहते हैं ये लोग जी, नाम क्या कहते हैं इसको? क्रीमी आई शेडो। क्रीमी तुमने स्टार्ट में दिखाया ना, वो बड़े मज़े के हैं। मैं आपको जो ज़्यादा इन है, जो ज़्यादा यूज में आएंगे ना आपको, वही कलर। अस्सलाम वालेकुम, अभी हम पहुंचे हैं कराची और इसके साथ साथ अगले दिन है काशीज़ का सफ़र, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारी जो है कराची का फर्स्ट डे का डिनर, और ये हम लोग बैठे हुए हैं KBC सदर में, और हमारे होटल के बिल्कुल सामने ही है। हमने मंगवाया है ब्रोस्ट और हमने मंगवाया है बिहारी बोटी जो पंजाब में नहीं मिलता स्पेशल, और ये हमारा रात का खाना है। नाश्ता मैंने आपको दिखाया था कि हमने होटल में किया था हैदराबाद में, और उसके बाद लंच हमने किया नहीं, वो शाइस्ता के सलोन में हमारी चाय पार्टी हो गई थी, और अब ये हमारा डिनर। इसके बाद बताते हैं कि आगे हमारा हम क्या खाते हैं। ये हमारा टोटल डिनर। जी मैं जा रही हूँ काशीज़ ब्यूटी पार्लर, वहाँ पर आज मैं एक ब्राइडल शूट करूँगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। इस मकसद के लिए मैं आई हूँ कराची। इंशाल्लाह जो शूट होगा, जो ब्राइड्स की तस्वीरें होंगी, जो मेकअप होगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी लाजमी। तो अभी मैं काशीज़ के सलोन में जाती हूँ, फिर वहाँ जा कर देखती हूँ कि मुझे वो लोग वीडियो बनाने देते हैं या नहीं देते हैं। उनके सलोन्स के रूल्स ऑफ रेगुलेशंस जो है उनका मुझे पता नहीं है। अगर वो बनाने देंगे तो बना लेंगी वीडियो, अगर वो नहीं बनाने देंगे तो आफ्टर रिजल्ट आपको शेयर कर देंगे। जिसका हमारा गुजरात के अंदर आपकी बिम्बर रोड है, ये तबकारी रोड है, ये बहुत बड़ा है हमारा बिम्बर रोड, और कोर्ट रोड बहुत ही छोटी है। बहुत ह्यूज यहाँ पर ये सेटअप है रोज का, इवन 3 फ्लोर के अंदर आई थिंक सो ये है, और इसके सामने महारोड है, और ये रोज, और रोज के सामने जस्ट अपोज काशीज़, और ये काशीज़ ने एक महल की तरह अपना सेटअप बनाया है जो बहुत ही प्यारा है, जिसको ये आज तक दिखाते हैं। ये से घूम कर ही आएंगे, लोगों ने यू टर्न ले लिया है, घूमने का थोड़ा सा सामने से दिखाएं आपको। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सेटअप है, बहुत यूनिक बिल्डिंग इन्होंने खड़ी की है, और यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ा सेटअप डाला है काशीज़ ने अपना। बहुत ही अभी जो तुमने स्टार्ट में दिखाया है ना, वो बड़े मज़े के हैं। मैं आपको जो ज़्यादा इन है, जो ज़्यादा यूज़ में आएंगे ना आपको, वही कलर दिखाऊंगा ज़्यादा। ये आपके ब्राइट के यूज़ आएगा, ब्राइट के यूज बहुत अच्छा लगता है। इसको मैं थोड़ा सा वीडियो में नहीं आया। अभी मैं हूँ काशीज़ सलोन में, और मैं इनके जो डायमंड पिगमेंट है ये चेक कर रही थी कि इनके कितने कलर्स हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मेरा जो टूर है वो तो आप लोगों को पता ही है कि काशीज़ सलोन में जो है वो ब्राइडल शूट भी मैंने किया, लेकिन इससे पहले मैंने काशीज़ के सलोन में जो है मेकअप की प्रोडक्ट्स बाई की हैं, और जो जो मैंने बाय किया है ना वो मैं आपको सेपरेट भी दिखाऊंगी अपने सलोन में। लेकिन यहाँ पर ये पिगमेंट देखें कि मैं अपने हाथों पर चेक कर रही थी, और इतनी ह्यूज रेंज है ना इनके पास कॉस्मेटिक की, मैं आपको क्या बताऊँ कि अगर मैं एक एक चीज़ भी लेती ना तो पता नहीं कितने लाखों का मेरा बिल बन जाना था। लेकिन जो मैंने शॉपिंग की है ना, वो बहुत खूबसूरत शॉपिंग की है। अच्छा, जो मेरी शॉपिंग हुई है ना, वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। ये इनके ग्लिटर पिगमेंट्स हैं, डायमंड ग्लिटर पिगमेंट्स इनको ये कहते हैं, और ये इतने खूबसूरत हैं। इनके ऊपर मैं आई मेकअप आप लोगों को करके दिखाऊँगी। इसमें से मैंने 10 ग्लिटर बाय किए थे जो बहुत ही खूबसूरत कलर्स के थे। मैंने 10 पिगमेंट जो है वो अलग किए। इसके अलावा मैंने इनकी जो जो खास रेंज, लैशेस, इच एंड एवरीथिंग जो मुझे पसंद थी मैंने ली। और आप लोगों को मैं बताऊं कि अगर आप कराची से हैं तो आप ज़रूर इनके सलोन विज़िट करके बाय कर लें, अदरवाइज आप इनकी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं जो कराची से नहीं है। इनकी प्रोडक्ट का इस्तेमाल अगर आपको सही तरीके से आता हो तो आप इससे मेकअप की बहुत खूबसूरत जो लुक है ना वो क्रिएट कर सकते हैं।
आपको इस वीडियो में मैं इनकी मुकम्मल रेंज दिखाऊंगी कि इनकी जो जो चीज़ें थी वो क्या क्या मतलब मैंने ली हैं और क्या क्या इनके पास ऑलरेडी मतलब भरा पड़ा है। कॉस्मेटिक सेक्शन इनका इतना खूबसूरत है, ज्वेलरी सेक्शन इनका इतना खूबसूरत है। मेरी इस वीडियो में मैंने ज्वेलरी की भी वीडियो बनाई है और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं आपको बताऊँ, इनके सलून में वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा कि मुझे थोड़ी सी इजाज़त दे दें कि मैं ये वीडियो बना लूं, क्योंकि ये लोग ना किसी भी चीज़ की, क्योंकि आप लोग को पता है ना कि हर बंदे की अपनी एक होती है, वो नहीं अलाउ करते। मुझे फ़र्स्ट टाइम मौका मिला तो मैंने कहा चलें मैं आप लोग के साथ इनकी पूरी जो रेंज है ना वो शेयर करूं। तो वीडियो में आप एंड तक देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने ली हैं और क्या क्या इनकी कॉस्मेटिक की रेंज इनके सलून में अवेलेबल है। इस आई शेड्स का क्या नाम कहते हैं ये लोग जी? नाम क्या कहते हैं इसको? क्रीमी आई शेडो। क्रीमी विदाउट किसी भी चीज़ के बगैर ये लग जाएंगे, ये डायरेक्ट लग जाएगा इसमें, मतलब एक मिनट में ब्लेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको खुद भी ट्राई कर लेती हूँ। ये जो रखे हुए ये वाटर शेड है, ये क्या है? मतलब ये जैसे जैसे आईब्रो शेपिंग वगैरह करते हैं, ये जो है ये कलर कौन सा है? आईब्रो शेपिंग, ये आईब्रो मेकर ये मेरे पास है, ये वही है ना जो काशीस का आईब्रो का? ये डार्क है? नहीं यही है, यही है, ये मेरे पास है। और ये वाले जो शेड है ये इंटरफेयरनेस है जी, ये वाले भी शेड हैं मेरे पास। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी कंटूरिंग किट। कंटूरिंग में दिखा दो। ये वाले शेड, ये वाला सिल्वर था मेरे पास, तो वो सिल्वर और वो सिल्वर अलग है? कौन सा? जो मैंने ये हाइलाइटर, ग्लैमर हाइलाइटर है, ये है वो वाटर शेड है, आई शेडो। अच्छा, ये पूरी किट है जिसमें छह कलर है? ये यूज होती है, ये वाली तो फैमिली के लिए सही। तो ये वाली इसकी क्या प्राइस है? 3000 में 6 शेड है और 1500 में 2 शेड है। ये 6000 की? हाँ नहीं, 3000। 3000 ठीक है। और इसका ब्लशर, ब्लशर दिखा रहे, ये वाली किट कर देना मुझे। अच्छा, इन दोनों में से मुझे बताओ कौन सी ज़्यादा चलती है? चलो कर लो। ये वाली कह रही तो ये ज़्यादा सही है, क्योंकि फैमिली की देखती है, उसमें हाइलाइटर कंटूर भी है तो यही ले लेते हैं। कंटूर तो मैंने ले लिया है ना, ठीक है, कंटूर आपने तो ये वाली कर दो। हाँ, ये वाली कर दो। अच्छा, ये वाले जो छोटे छोटे शेड्स हैं ये कौन से हैं? ये डबल टोन में शेड है। इसकी क्या प्राइस है? 1200। अच्छा, 1200 का है। इसका काशीस का मस्कारा भी एक कर दें। ये आई सेंसिटिव आई ग्लू कौन सी है? जिनको पानी ज़्यादा आता तो फिर उनके लिए वो, उसमें कोई फ़र्क है? जी जी। तो वो कितने की है? वो 700 की, नॉर्मल 500। ये 500 की, ये वाली एक कर देना, 500 वाली। और सेंसिटिव वाली भी एक कर दें। अच्छा, ये लिपस्टिक्स के क्या प्राइस हैं? 800। काशीस के जो 12 लिप्स, 6 लिपस्टिक वाला बॉक्स था वो भी है मेरे पास, न्यूड वाला।
और ये जो राउंड राउंड से हैं आई शेडो, ये लिप बाम है, ये कितने का है? 1000 का। इसमें एक लाइट न्यूट पिंक सा कलर निकाल दो, मुझे लगता है फ्रंट पे ही एक रखा हुआ है। और उसके साथ ये ग्लिटर्स रखे हुए हैं, ये 3D ग्लिटर्स के क्या प्राइस हैं? ये 1500। कौन सा शेड ज़्यादा चलता है? इसमें ये जो ग्रीन है ये वाला ग्रीन, सही। और इसमें ये जो वाइट है ब्लू है, और इसका जो गोल्डन है ये पैरेट के साथ पड़ा हुआ, सॉरी ये ग्रीन ये पड़ा हुआ। और इसको भी चेक करते हैं। ये लाइट पैरेट जो है ये भी बहुत चलता है। और ये जो लाइट शिमर्स जो नीचे पड़े हुए हैं इनके क्या प्राइस हैं? 1000। मुझे इसके कुछ शेड दिखा दो, मुझे लगता है लाइट ग्लिटर्स ही मुझे पसंद आने। हाँ बस साफ ही करने पड़ेंगे क्योंकि प्रोडक्ट्स लेनी है ना तो ट्रायल तो करना है। ये गोल्डन और ब्राउन है, ये बहुत कॉपर और प्यारा कलर है, कॉपर पर भी जाता है, ब्राइट पर भी अक्सर यूज़ होता है। एक कोई लाइट सा शेड हो ना, लाइट ग्लिटरी सा जिसमें आइवरी गोल्ड का शेड आ रहा हो। ये कितने का है? 1000 का है। 1000 इसके लिए बहुत सारे कलर अच्छे हैं। जो गोल्ड था ना वो यही जो मैंने अभी आपको दिखाया ना इसमें भी गोल्ड आ रहा है, पर टूटो नहीं, हिलाएंगे तो कलर चेंज। हाँ मुझे पता है, रिफ्लेक्शन लाइट के साथ साथ चेंज कर रहा है। हाँ। आइवरी गोल्ड सा कोई शेड हो ना, हमारे उधर पंजाब में इस तरह की ड्रेसिंग ज़्यादा होती है जिसमें गोल्ड भी लगे सिल्वर भी लगे। गोल्ड और सिल्वर, देखिए ये भी अच्छा है, गोल्ड सिल्वर जैसे ये भी अच्छा लग रहा है। जो समझ में आए ना मुझे बता। हाँ वो मैं कर साइड में कर दूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी। कलर इतने बंदा पर वैसे ही दिमाग में आगे पीछे हो रहा होता है। अच्छा गोल्ड का यही कलर है जो पहला दिखाया था, तो ये वाइटिश है। अच्छा ये वाला जो तुमने, ये वाला इस वक्त अलग कर लो, बाकी देखते हैं। ग्रीन के काफ़ी शेड ले लिए हैं, अब थोड़ा सा डार्क जो यहाँ पे ज़्यादा चल रहे हैं, अर्ली बर्ड डेजी वगैरह दिखाओ मुझे ना, डार्क में दिखाओ ग्रीन पहले ही। मेहरून है, मेहरून ब्राउन ब्राइट के लिए होता है। ये दिखाओ प्यारे लगते हैं कलर। जो फर्स्ट पे तुमने गोल्डन लगाया था ना वो ही निकालो, जो पहला यही होगा। एक इनका ये पैक है, एक ये पैक है, और एक हमारे पास ये पैक है। लैशेस ही लैशेस, माशाल्लाह लैशेस की एक वैरायटी है यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की। हाँ ये वाला, ये जैस्मिन है। अच्छा इसमें है जैस्मिन जी, एक ये से नहीं मिलेगी आपको बॉक्स में, ये इसके साथ विक्टोरिया स्टोर है। और ये बॉक्स कितने का मिलेगा? ये 3500। अल्हम्दुलिल्लाह। एक ये बॉक्स करते हैं ना, ये भी आपको यही है, जैस्मिन है, तीनों वही हैं, वही है। तो ये भी इतने का ही है, मतलब 3500 का है। पैकिंग डिफरेंट की हुई, इसका ना मेकअप फिक्सर स्प्रे भी मुझे चाहिए, हाइड्रेटिंग भी है ना एक। ये वाली कौन सी है? ये 4000 का पैक है, इसमें तीन पेयर हैं और साथ ट्यूज़र है। ट्यूज़र है इसमें भी परफेक्ट है, ट्यूज़र वैसे भी मेरे पास है। ये लिशेस चिपकाएगा, तो ये पेन क्या काम करता है? ये पेन चिपकाएगा, पेन लाइनर पेन है ये। अच्छा उससे लगाया लाइनर, लाइनर भी है, गम भी है, आपने लगाया और उसके ऊपर ये लगा दिया, फिक्स हो जाएगा।
ओके, ये सारी लाइट हैं, लाइट हैवी सब इन्होंने, नॉर्मल लाइट हैवी सब। ओके, हम ये लेते हैं एक, और ये वाली तो मुझे लग रही है लाइट है, ये निकालूंगी, ये कलर निकालूंगी। अच्छा, ये वाली कौन सी थी? अभी जब ये देखेंगे ना तो उतने में साथ साथ निकाल दूँगी। ये तो देख लिए ना यार, क्या ये दो हैं, विक्टोरिया और सेंड्रा। ये कितने का है बॉक्स? ये कितने का है? 3,500 का? 4,500 का, ये 4,000 का, ये 3,500 का। ये वाली, ये वाली निकालो, और अलग से अगर जैस्मिन लेनी हो तो 1,500 की है, वो मुझे दे दो फिर अलग से, चार कर दो जैस्मिन के बॉक्सेस। और ये नहीं, ये नहीं, क्योंकि ये मुझे लाइट लग रही है। और ये वाली भी वही जैस्मिन ज़्यादा चलेगी ना, वही ले लेते हैं। ये बड़ी लाइट बड़ी लग कर नजर आएंगी, इस तरह की वैसे भी मिल जाती है ना, जैसे जैस्मिन तरह की नहीं मिलती, वो उसको डबल करके मैंने काफ़ी ली हुई है। कितनी? चार। हाँ, एक तो तुम वो कर दो ना, तीन वाला जो था बॉक्स, हाँ, और चार जैस्मिन अलग से कर दो। ये देखें, मैं आपको लैशेस का दिखा रही थी, तो लैशेस की पूरी वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। और जो हमने ली है लैशेस वो जैस्मिन ली है, और बाकी एक बॉक्स लिया है जिसमें तीन। अच्छा, आप तीनों निकाल दो, एक है ब्राइडल के लिए हैंड्स के लिए, एक फेस की सिंपल ग्लो के लिए, और एक एक्स्ट्रा ग्लो के लिए, तीनों निकाल दो। और इनमें से प्राइमर मुझे बताएं, प्राइमर कौन सा वाला है इनका, क्या? अच्छा, ये पोर्स के लिए आलमंड, ये बहुत ड्राई स्किन है जैसे आगे वेदर आ रहा है उसके लिए बेस्ट है, और ये नॉर्मल स्किन के लिए ठीक है। आप ये ग्लास स्किन वाला भी दे दें, और पोर वाला अच्छा, पोर अच्छा है, और वाला स्किन से बहुत अच्छा रहता है, तो आप ये दोनों, हाँ, नहीं ऑयली स्किन के लिए, नहीं पोर वाला तो ऑयली स्किन के लिए हो गया, और ग्लास स्किन वाला ड्राई स्किन के लिए हो गया। हाँ, ये दोनों दे दो, नहीं एक ही दे दो, दोनों एक एक दे दो, ग्लास स्किन और पोर वाला। अच्छा, ये क्या है, ये जो वाइट से सीरम से पड़े हुए, ये क्या है इसमें? ये इसका कलर कितने का है? आई लव माई हेयर। अच्छा, प्रोफेशनल कलर है। ये तो मैंने देखा है अमना के पास, ये तो पिंक, हाँ वैसे ये देखा हुआ है मैंने, ये तो लेना है मुझे। इसका बहुत अच्छा, इसको हम ये जो इनके पैनकेक है उसके साथ मिक्स करके लगाते हैं ना, और ये शिमर है उसके ऊपर से भी अलग से भी। ये वाइट, ये तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया ना, जो नज़र ही नहीं आता, ये वो है वन नंबर लाइटर और शिमर वाला यूज होगा, पिंक पिंक भी दिखाया था, ये ट्रांसपेरेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा चीज़ें देख रही हूँ आ जाती है अभी। मैं खुद सोच रही थी ना बैठूंगी उस पर, पर ये नहीं जाएगा, इसको ग्रे कर देगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला जाएगा, ठीक है। और ये 7 पार्टी वेयर नॉर्मल, जितना ज़्यादातर लगता है कलर ये लगता है, ये पिंक वाला, ये पिंक है, और ये ट्रांसपेरेंट है। ये किस पे जाएगा? एक्स्ट्रा वाइट आ जाते हैं तो इस पहले इसका लगेगा, आपने इसका कोड लगाया, इसके ऊपर इसका कोड लगाया, फिर वो वाली लुक आएगी जो एक्स्ट्रा वाइट की होती है। जैसे कि यहाँ पर कस्टमर आते हैं डायरेक्ट ही अप्लाई कर रहे होते हैं, इतने वाइट आते हैं, अगर वहाँ पर थोड़ा सा पीछे भी है तो ये भी कम पड़ जाता है, इसके ऊपर ये लगता है, ये ट्रांसपेरेंट। ठीक है, हमें ये लेना है, ये लेना है, और ये पिंक लेना है, ऐसा कलर है, ये आप लगाएंगी आप पे पीच चल जाएगा, वो मैं कॉम्बिनेशन कर लूँगी स्किन के हिसाब से। ये वाला ले लें, पिंक वाला ले लें, ठीक है, ठीक है। आप ये भी कह रहे हैं नंबर ले लें, वन ले लें, फाइव ले लें, और ये नॉर्मल जो स्किन आ रही है ये वाली, ठीक है। कितने हो गए ये, पाँच हो गए? एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, पाँच कर लें। अगर ये समझ में आया तो देखिए, मुझे लगता है ये दोनों बहुत मिलते जुलते हैं। नहीं, ये लाइटर येलो ज़रूरी है,
फोन नंबर ये येलो कर दो क्योंकि ये सारे एक जैसे लग रहे हैं। येलो येलो ये किस स्किन पे जाएगा? ये नॉर्मल डार्क स्किन। तुम भी प्यारी हो यार। चलो फिर ये हो गए। ठीक है ठीक है। इसको ये डाल दें डस्टबिन में। ये ले लो डस्टबिन में डाल दो। ये मैंने लेनी है। बहुत अच्छा। और जैसे जैसे मौसम आ रहा है ना तो बहुत अच्छा खुशबू भी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। ये एक कर दें। ये वन नंबर और थ्री नंबर हो गया। हाँ इसकी वाइट नहीं, वाइट तो मेरे पास है, ब्लैक लाइनर इसका, जेल लाइनर, मस्कारा। इसकी ना पैलेट्स वो जो आपकी है ना फर्स्ट पे जो लगी हुई है विंटेज है। ये वाली लॉन्च नहीं हुई, लॉन्च नहीं हुई, तकरीबन इसी माह में लॉन्च हो जाएगी। और ये वाली भी नहीं हुई, ये और ये दोनों सेम भी प्राइस लॉन्च हुई। अच्छा ये अभी लॉन्चिंग पे हैं जी। इसके कलर भी बड़े प्यारे रहे हैं। इसमें सभी आ जाते हैं, आपको अलग से कोई भी शेड निकाल के लगाने की जरूरत, सब इसी में होंगे, ग्लिटर शेडो। ये चार में है ना सेक्शन में। अच्छा ये क्या है, इसकी काजल पेंसिल है, लिप पेंसिल्स हैं? नहीं ये पेंसिल। ये कितने की हैं? ये 350। अच्छा विंटेज चेक करनी। हाँ विंटेज चेक करनी। और ये सिल्क एंड स्लीक कौन सी है इसकी? सिल्क एंड स्लीक कितने की है? हाँ दो। फिर ये इसके बेसिक तीन चार कलर निकाल दो जो बेसिक हैं। एक उसमें वाइट भी है ना, कलर करेक्टर। हाँ वो फोर निकाल देती हूँ, फाइव थर्टीन निकालो, अगर चाहें तो फोर्टीन भी देखिए। के सलोन पे जो है वो मिलेगी। मैंने क्या किया है, वीडियो ऑन ही नहीं की। सूरत कलेक्शन है इनके पास, बहुत ही ज़बरदस्त। ब्राइडल की भी इतनी ज़बरदस्त है। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, मैं बड़ी मतलब निखटू वीडियोस बना, बटन ही नहीं ऑन किया हुआ। मेरे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकती ये काम। क्या करवाना है आपने? हेयर स्टाइलिंग है। मेरी मॉडल की क्लास? नहीं नहीं मॉडल अभी तक आई नहीं है। मॉडल ही नहीं आई अभी तक, तो मैं चलूँ आपके साथ? मैं कह रही हूँ कि मैं चलूँ ऊपर आपके साथ, जाने देंगे? अलाउड ही करेंगे, यही तो मसला है। चलो इतना ही काफ़ी।
much.